नमस्कार, UBN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UBN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए UBN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। शैलेंद्र सिंह बोरलिया की रिपोर्ट। उज्जैन के कर्ज समाज के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से की मांग, बेटी को जिंदा जलाने वाले दोषियों को दें फांसी। टीकमगढ़ जिले में कायस्थ समाज की बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाने के विरोध में उज्जैन कायस्थ समाज द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम SDM संतोष टैगोर को ज्ञापन सौंपा। कोटी स्थित कलेक्टर कार्यालय पर दिए गए ज्ञापन में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग की मांग की दोषी को फांसी की सजा दी जाए। कायस्थ समाज के मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मऊचुंगी निवासी कायस्थ समाज की बेटी स्नेहा खरे को उसके निर्दयी पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने बर्बरता से मारपीट के बाद जलाने का घोर अपराध किया। आज उज्जैन नगर काय समाज जो हमारे टीकमगढ़ में हमारी सबकी बहन को एक दहेज लोभी परिवार ने जो जिंदा जलाया, उसी को लेकर आज उज्जैन काय समाज, हमारा सारा समाज आज कलेक्टर मोदी जी को ज्ञापन देने आया है, ताकि हम सारे समाज के लोग उस दरिंदे को जिसने हमारी बहन को जिंदा जलाया दहेज के लिए, हम उसका सारी काय समाज उज्जैन नगर द्वारा बहिष्कार करते हैं। साथ ही हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा यह भी मांग करते हैं कि उसका घर जल्द से जल्द या जो घटना घटी उसे तोड़ा जाए। साथ ही उस दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे काय समाज उज्जैन द्वारा फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। और हमारी जो बहन जो टीकमगढ़ में उसे जिंदा जलाया है, उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही काय समाज उज्जैन नगर द्वारा आज ज्ञापन देकर यह मांग करता है। मंगेश श्रीवास्तव। क्या देखो भाई साहब, तुम आ जाओ ना दीदी का बोलवा दो दीदी का। आज समाज की तरफ से हम एक बहुत नन्ही परी बेचारी बेटी जो है, जिसका ब्याह माँ बाप कैसे करते हैं और सब तरफ से देख दुखा के भी करते हैं, और उसके साथ जो हुआ है और अन्याय उसके साथ हुआ है, और टीकमगढ़ की बेटी है, वो सबकी बेटी है, और मेरा कहना है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को पूरा उसका घर को ख़त्म कर देना चाहिए। उसको माननीय शिवराज जी से मैं कहूँगी कि आप अधिक से अधिक उसको दंड दिया जाए, फांसी का दंड दिया जाए। ये काय समाज की तरफ से हार्दिक।